नमस्कार दोस्तों, आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं सुरेश कुमार एक बार फिर से आपके साथ। दोस्तों आज आईटीआई फर्स्ट ईयर फेटर ट्रेड का पेपर है, वर्कशॉप के अनुसार जो इम्प्लॉयड स्किल का। आप चाहे किसी भी ट्रेड से हो, ऑल ट्रेड के लिए पेपर है, तो आप सभी इस पेपर का एनालिस करना, क्योंकि पेपर यहीं से पूछा जाता है। फेटर वालों को तो देखना ही देखना है, क्योंकि उनका पूरा पेपर यहीं से आ रहा है, वर्कशॉप के अनुसार जो इम्प्लॉयड स्किल का। आप अन्य ट्रेड से इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, मशीनिस्ट, किसी भी ट्रेड से हो तो आप भी करना, क्योंकि पेपर इन्हीं पेपरों में से आ रहा है, तो आपका पेपर भी यहीं से आ रहा है। तो स्टार्ट करते, ज़्यादा वक्त खराब ना करें। और आपका पहला क्वेश्चन है, साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपको इन पेपरों की पीडीएफ फाइल चाहिए तो भी डिस्क्रिप्शन में जाइए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, वहाँ पर सभी प्रकार के पेपर अवेलेबल है। साथ ही आप आईटीआई सीबीटी एग्जाम के नाम से सर्च करके भी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। साथ ही चैनल को पहली बार विजिट करो तो सब्सक्राइब जरूर करना, तथा बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे आपको हर क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो आपका पहला क्वेश्चन है, इनमें से मूलभूत इकाई कौन कौन सी है? तो दोस्तों इनमें होती है लंबाई, द्रव्यमान व समय। अगला क्वेश्चन है, एमकेएस प्रणाली में एम अक्षर क्या दर्शाता है? तो दोस्तों ये दर्शाता है मीटर। अगला क्वेश्चन है, 0.003 × 0.5 का गुणनफल क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 0.0015। अगला क्वेश्चन है, 0.456 दशमलव बिंदु को प्रतिशत बदलो। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 45.6%। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस धातु में प्रमुख सामग्री के रूप में लोहा होता है? दोस्तों वो होता आपका लोहे धातु। अगला क्वेश्चन है, धातु की कौन सा यांत्रिक गुण एक काटने के उपकरण में लोचदार विरूपण के लिए प्रतिरोध प्रदान करती है? दोस्तों वो होती है आपकी कठोरता। अगला क्वेश्चन है, किस मिश्र इस्पात का उपयोग कीमती उपकरण बनाने के लिए किया जाता है? तो दोस्तों वो होती है आपकी इन वायर इस्पात। अगला क्वेश्चन है, किसी पदार्थ के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसे बोलते हैं हम घनत्व। अगला क्वेश्चन है, जिस वस्तु में परिमाण या साइज होता है उसे क्या कहेंगे? तो दोस्तों ये अदिश राशि कहेंगे। अगला क्वेश्चन है, पानी के विशिष्ट ऊष्मा का मान क्या होता है? तो दोस्तों एक होता है। अगला क्वेश्चन है, फारेनहाइट स्केल में पानी का क्वथनांक कितना होता है? तो दोस्तों 212 डिग्री फारेनहाइट होता है। ये क्वेश्चन कल पूछा गया था। अगला है, 20 डिग्री से 35 डिग्री से तक 85.5 ग्राम रेत 0.1 तापमान बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा की गणना करें? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 128.25 जूल। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, धारा की इकाई क्या है? तो दोस्तों एम्पियर। अगला क्वेश्चन है, कौन सा बहुत अच्छा कंडक्टर है? ये दोस्तों कल ही पूछा गया था, आज ही पूछा गया, तांबा। अगला क्वेश्चन है, यदि एक इलेक्ट्रिक आयरन की रेटिंग 220 वोल्ट है और 500 वाट से, तो इसका प्रतिरोध कितना होगा? दोस्तों इसका राइट आंसर आएगा आपका सी, यानी 96.8। तो दोस्तों आप आर बराबर वी स्क्वायर बटा पी कर लो और हल कर लो, आपका राइट आंसर सी आएगा। ये क्वेश्चन कल ही पूछा गया था, आज ही पूछा गया था। अगला है, एक वर्ग की भुजा जिसका क्षेत्रफल 625 है, तो इसका राइट भुजा क्या होगी? तो राइट आंसर आएगा 225। ये क्वेश्चन कल ही पूछा गया था दोस्तों। अगला है, उस विषमभुज त्रिकोण का परिमाप क्या होगा जिसकी भुजा की माप 40 mm, 20 mm व 28 mm है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 88। कल ही पूछा गया था, आज ही पूछा गया था दोस्तों क्वेश्चन। अगला, लीवर के फिक्स एम सपोर्टिंग पॉइंट का क्या नाम है? दोस्तों वो होता आपका फलक्रम। ये क्वेश्चन कल ही पूछा गया था, आज ही पूछा गया था। अगला है, फर्स्ट ऑर्डर लीवर के लिए कौन सा उदाहरण है? दोस्तों वो होता आपका सीजर का एक पेयर। अगला क्वेश्चन है, थीटा का मान होगा यदि साइन थीटा अंडर 3/2 है? तो इसका राइट आंसर आएगा आपका सी, यानी 60 डिग्री। ये क्वेश्चन कल ही पूछा गया था, आज ही पूछा गया। अब आ गया आपका वर्कशॉप कैंसिल में पेपर हो चुका है, अब इम्प्लॉयड स्किल का पेपर आ रहा है। क्वेश्चन आपका दोस्तों, साक्षात्कार कॉल प्राप्त करने के बाद अगला कदम क्या है? तो दोस्तों वो होता आपका साक्षात्कार में जाए, राइट आंसर सी। कौन सा स्वर है? ये दोस्तों कल ही पूछा गया था, आज ही पूछा गया। तो इसका राइट आंसर कौन सा नहीं है? एफ नहीं है, ए ई आई ओ यू होता है दोस्तों। वह शब्द जो किसी दूसरे शब्द के समान है लेकिन अर्थ में भिन्न होता, जिसे खालिस्तान कहते हैं? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा होमोफोन। अगला है, इंटरनेट पर की गई एक अवैध गतिविधि को खालिस्तान कहते हैं? दोस्तों इसके साइबर क्राइम यानी अपराध कहते हैं। क्वेश्चन कल ही पूछा गया था, आज ही पूछा गया था। अगला है, छोटी दूरी मापने के लिए नेटवर्क प्रकार का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों वो होता आपका LAN यानी लैन प्रकार का। अगला है, किसी ओरिएंटेशन अभिविन्यास में टेक्स्ट यानी पाठ लंबाई वार प्रिंट होता है? दोस्तों वो होता आपका प्रोटेट। अगला क्वेश्चन है, WN का विस्तार रूप क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आएगा विड एरिया नेटवर्क यानी सी। अगला क्वेश्चन है, किसी विशेष कार्य के लिए संप्रण को खालिस्तान कहा जाता है? तो उसे दोस्तों हम कमिटमेंट करते हैं, कल भी आया था, आज भी आया था ये क्वेश्चन। अगला, लक्ष्यों को खालिस्तान के रूप में वर्गीकृत किया गया है? दोस्तों वो होता आपका अल्पकालीन और दीर्घकालीन, राइट आंसर डी। अगला क्वेश्चन है, कि किस को पुअर कम्युनिकेशन माना जाता है? तो दोस्तों हम इसे संदेश स्पष्ट होना है। अगला क्वेश्चन है, कच्चे माल की खरीदी, मजदूरी और वेतन, किराए, बिजली आदि के भुगतान में निवेश किया गया पैसा होता है? तो दोस्तों वो होता है आपका कार्यशील पूंजी, राइट आंसर ए। अगला है, विदेशी बाजारों तक पहुंच प्राप्त करने और संगठनों के हित को जल्दी बढ़ावा देने के लिए किस दृष्टिकोण का उपयोग किया
जाता है दोस्तों वो होता है आपका संयुक्त उद्गम। अगला क्वेश्चन है एटीएम का विस्तार क्या है तो दोस्तों वो होता है आपका ऑटोमेटेड टेलर मशीन। अगला क्वेश्चन है केवाईसी मानदंडों को पूरा करने के लिए इनमें से कौन सा दस्तावेज स्वीकार्य नहीं है तो दोस्तों वो आपका आय प्रमाण पत्र नहीं है। ये क्वेश्चन कल भी आया था आज भी आया है। किस डेसीबल पर ध्वनि खतरनाक ध्वनि प्रदूषण करता है दोस्तों 80 से ऊपर। अगला क्वेश्चन है कंपन और विकिरण के अंतर्गत आता है दोस्तों वो आता है आपका शारीरिक जोखिम। अगला क्वेश्चन है फैक्ट्री एक्ट के तहत साप्ताहिक रूप से काम करने वाले कर्मचारी 48 से अधिक नहीं होने चाहिए तो दोस्तों वो 48 घंटे से अधिक नहीं होने चाहिए। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन एक वायु प्रदूषक है तो दोस्तों ये कार्बन मोनोऑक्साइड यानी डी इसका राइट आंसर आएगा। अगला है लोकप्रिय गुणवत्ता उपकरणों की कुल संख्या कितनी है तो दोस्तों वो 7 होती है राइट आंसर सी। अगला क्वेश्चन है कौन सा फार्मूला सही है तो दोस्तों इसका पहला फार्मूला Q = P = Q होता है तो राइट आंसर ए। तो दोस्तों ये पेपर था पूरा एनालिसिस करना क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू दोस्तों।